ये कहानी है बुलबुल नाम की एक चिड़िया की, जो अपने घोंसले में अपने पति और अपने बेटे मिंकू के साथ रहती थी। बुलबुल का पति रोज की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अरे आज मैं फिर से लेट हो गया हूँ, अब मुझे जल्दी जल्दी ऑफिस को निकलना चाहिए। और बबलू कबूतर अपना काम करने लगता है, और उधर बुलबुल चिड़िया अपने रोज के काम करने लगती है। चलो ये काम तो हो गया, आज मुझे जंगल की सफाई करने जाना है, मुझे जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकलना चाहिए। लिंकू तुम घर पे ही रहना, मैं जंगल की सफाई करने जा रही हूँ। मैं भी आऊंगा माँ, मुझे भी आना है आपके साथ, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा सफाई करने में। चलो ठीक है बेटा, अगर आप भी आना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। और वो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मैं पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मिंकू के साथ सफाई करूंगी। उधर मिंकू जंगल की सफाई करने लगता है। मिंकू सफाई करते करते रोड की तरफ आ जाता है। रोड के दूसरी साइड से बहुत तेजी से एक गाड़ी मिंकू की ओर आती है, और मिंकू का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये तो मेरे बेटे की आवाज है, क्या हुआ मेरे बेटे को? मिंकू मेरे बच्चे, ये कैसे हो गया? और वो मिंकू को हॉस्पिटल ले जाती है। अरे सर, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने अभी अभी न्यूज़ में देखा। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ ऑफिस से। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़ डॉक्टर साहब। आपके बेटे के सर में चोट लगी है, आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, आप जल्दी से रुपए का इंतज़ाम करो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं मिंकू के इलाज में 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। भगवान पे भरोसा रखो बुलबुल, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप मेरी माँ के घर जाओ, मुझे पूरा भरोसा है माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है बुलबुल, मैं अभी जाता हूँ। और बबलू बुलबुल की माँ के घर निकल जाता है। सासू माँ, मिंकू का एक्सीडेंट हो गया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हो दामाद जी, मिंकू का एक्सीडेंट? हाँ सासू माँ, वो अपनी माँ के साथ जंगल गया था और एक गाड़ी वाले ने उसको ठोकर मार दी। अभी उसे हमने हॉस्पिटल में भर्ती करा है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं। ठीक है।
ब्रह्मा जी, मैं आपको रुपए देती हूँ। मेरा आप तीनों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन, मैं भी रुपए लाती हूँ। और वो बबलू को 3 लाख रुपए दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सासू माँ, अब मुझे निकलना चाहिए। ठीक है दामाद जी, संभल के जाना। और बबलू हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। और मिंकू ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मिंकू ठीक हो गया। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। अब मिंकू खतरे से खाली है, आप इसे घर ले जा सकते हो। और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं और खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोड में ध्यान से चलना चाहिए और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। आपसे फिर मिलती हूँ, बाय बाय, अलविदा। ये कहानी है आजमगढ़ जंगल में रहने वाले एक गरीब कौवे की, जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन घर का सारा काम करती है। बेटा, आज मैं बबलू कबूतर के घर जा रहा हूँ। मैं बीज के लिए कुछ पैसे उधार लूँगा बबलू कबूतर से। ठीक है बाबा, आप संभल के जाना। और भोलू कौवा बबलू कबूतर के घर निकल जाता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा, वो रहा बबलू कबूतर का घर। अरे भोलू भाई, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज कैसे आना हुआ? और टुनटुनी बेटिया ठीक है घर पे? हाँ बबलू भैया, सब ठीक है। मुझे दरअसल आपकी मदद की जरूरत है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। बबलू भैया, मुझे इस बार बीज लेने के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है, मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। अरे भोलू, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। और वो भोलू को रुपए दे देता है। भोलू उसे धन्यवाद कह के सीधे बाजार की ओर निकल जाता है। भोलू सीधे शर्मिला ताई की दुकान पे जाता है। शर्मिला ताई, मुझे अच्छी क्वालिटी की गाजर के बीज दे दो। अरे हाँ हाँ भोलू भैया, मैं आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी की बीज दूंगी। और भोलू बीज लेके फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी बेटा, मैं बीज तो ले आया हूँ, कल सुबह खेत में जाकर मैं बीज को बो दूंगा। और भोलू खेत में पहुँच के ट्रैक्टर चलाता है और खेत को बीज बोने के लायक बनाता है। चलो, सारे बीज तो बो दिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाबा, बारिश तो बहुत तेज है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए।
टुनटुन की बातें सुन भोलू भी मन ही मन घबराने लगता है और वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर भोलू बहुत रोता है और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा होता है उसे एक चमकदार चीज दिखती है और वहाँ पे एक दो मुंह वाली चिड़िया आती है। भोलू उस अजीब से मुंह वाली चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ और मैं स्वर्ग से तुम्हारी परेशानी को देखकर धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अरे आप सच कह रही हो, मेरी फसल खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगी, तुम अपने खेत में उसको बो देना और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और वो भोलू कौवे को जादुई अंडा दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। ये बोलकर वो चिड़िया भी वहां से गायब हो जाती है और भोलू कौवा भी अपने घर चले जाता है। बिटिया आज मुझे रास्ते में जंगल की रानी मिली और उन्होंने मुझे एक जादुई अंडा दिया है और इसको अपने खेत में बोने के लिए कहा है। ठीक है पापा, कल आप बोने के लिए चले जाना, अभी आप आराम करो। और सुबह होते ही भोलू कौवा अपने खेत में चले जाता है और खेतों को फिर से ट्रैक्टर चलाकर बुआई के लिए तैयार करता है और उसमें जादुई अंडा बो देता है। और उनका खेत अंडे के खेत में बदल जाता है जिसमें बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देख भोलू कौवा खुशी से झूम उठता है और टुनटुनी को भी खेत में लेके आता है। इस तरह अंडों को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और सबका उधार भी वापस कर देते हैं। भोलू कौवा उन सबको धन्यवाद कहता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त पे सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अलविदा, टेक केयर। टुनटुन रोज की तरह सुबह उठ के पूजा पाठ करने लगती है। फिर वो अपने दुकान के लिए समोसा बनाने लगती है। ए, चलो समोसे भी बन गए, अब इसको बेचने बाजार जाती हूँ। और टुनटुन चिड़िया समोसे बेचने बाजार चले जाती है। और इस तरह टुनटुन के सारे समोसे बिक जाते हैं। समोसे तो बिक गए, अब मैं अपने दोस्त मिट्टू से मिलने जाती हूँ। बहुत टाइम से मैं मिट्टू से नहीं मिली हूँ, ये मिट्टू से मिलने। आ, 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 आ,
तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। मिठू तुम रोना बंद करो, मैं डॉक्टर कोकिला को बुला के लेके आती हूँ। और डॉक्टर कोकिला को बुलाने टुनटुन निकल पड़ती है। हमें जल्दी चलना होगा, चलो जल्दी से। अरे मिठू चिड़िया, अब तुम घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगी। रुको मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। ओह अच्छा, तो मैं तो काफी लंबे समय से बुखार है, इसके लिए तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और इस तरह मिट्टू चिड़िया ठीक हो जाती है और टुनटुन और मिट्टू दोनों साथ में समोसे खाने लगते हैं। ये कहानी है सुंदर वन में रहने वाले एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे बबलू के साथ रहती है और टुनटुनी बबलू को समझाकर रोज के काम करने निकल जाती है। मुझे जल्दी जल्दी फूलों में पानी देकर बाजार सब्जी बेचने भी जाना है। चलो ये काम तो हो गया, अब सब्जी बेचने जाती हूँ। और टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। टुनटुनी बहन, एक किलो गाजर देना। अभी देती हूँ शर्मिला ताई, एकदम ताजी ताजी गाजर है। उसी बाजार में एक पानीपुरी वाला चील था, वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। पानीपुरी पानीपुरी पानीपुरी, ताजा ताजा पानीपुरी खा लो, पानीपुरी खा लो। सारी सब्जियां तो बिक गई है, अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। और टुनटुनी चिड़िया घर की ओर निकल जाती है। वो दुष्ट चील भी टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। और वो मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करके अपने घर ले जाता है। अरे ये क्रूर चील टुनटुनी चिड़िया को कहाँ ले जा रहा है, मुझे टुनटुनी चिड़िया के घर में बताना चाहिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे बाजार में तुम्हारी वजह से मेरी शॉप में कोई नहीं आता है, सब तुम्हारी ही दुकान पे जाते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। और शर्मिला बुआ टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। बबलू तुम्हारी माँ को चील किडनैप करके ले गया है। हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर करनी चाहिए, पता नहीं वो चील क्या करेगा। बुआ आप घर पे ही रहो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस को लेकर उस बाज के घर जाता हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। और बबलू चिड़िया पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। और बबलू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस अंकल, मेरी माँ को चील ने किडनैप कर लिया है। तुम घबराओ नहीं, हम अभी उस चील के घर चलते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। और वो दोनों टुनटुनी को बचाने चील के घर चल लेते हैं। प्लीज अंकल, हमें जल्दी जल्दी
अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुक जाओ दुष्ट चील, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। चुपचाप से टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चील पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है और पुलिस उस पर गोली चला देती है। और चील को गोली लग जाती है। इस तरह चील का अंत हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। इस बार सारी चिड़िया डिसाइड करती हैं कि वो दीपावली एक साथ मनाएंगी, तो सभी अपने अपने तैयारी करने निकल जाते हैं। सोनी चिड़िया भी दीपावली की तैयारी करने में लग जाती है। मुझे सबसे पहले बाजार जाना होगा। और सोनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। उसे रास्ते में बुलबुल दिखती है, तो वो बुलबुल को भी पूछती है। बुलबुल, तुम भी दीपावली की शॉपिंग करने चलो मेरे साथ। इस बार दीपावली सब एक साथ मना रहे हैं। और वो दोनों मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं। वहां से दोनों अपनी फेवरेट सब्जियां खरीदती हैं। उधर टुनटुन चिड़िया सबसे पहले अपने बच्चों को नहलाती है। मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है, ये ओ ठंडे ठंडे पानी से। उधर बबलू और मिंकू पूरे जंगल की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं और पूरे जंगल को एकदम साफ सुथरा बनाने में लग जाते हैं। उधर टुनटुनी चिड़िया सभी के लिए पटाखे लेने मार्केट की ओर जाती है। मुझे जल्दी जल्दी सभी के लिए सामान लेने और पटाखे लेने जाना होगा। टुनटुनी मार्केट पहुंच जाती है और वो देखती है मार्केट पूरी तरीके से सजा हुआ होता है। वहाँ अनेक रंग बिरंगी लाइटें होती हैं और दीपावली का बहुत सारा सामान होता है। अलग अलग टाइप के पटाखे, बम, चक्री और बहुत सारे नए नए पटाखे होते हैं। उनको देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और वो अपने और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे पटाखे और गिफ्ट लेती है और घर की ओर निकल लेती है। आज तो बहुत शॉपिंग कर ली है, मुझे जल्दी जल्दी घर की ओर जाना चाहिए। और कुछ चिड़ियाएं जंगल को सजाने के लिए निकल पड़ती हैं और वो नए नए चीजों से जंगल को सजाने लगती है। वो बहुत अच्छे से पूरे जंगल को सजा देती हैं और जंगल सजाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगता है। ज
जंगल में सारे चिड़ियाओं के घर बहुत अच्छे से सजे हुए होते हैं और टुनटुनी चिड़िया का घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उधर टुनटुनी की माँ सबके लिए समोसे बनाती है और वो सबके लिए खीर और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है। उसी जंगल में एक गरीब कौवी सीमा भी रहती है। सीमा सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है। सीमा गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनाती है। और शाम होते ही सारे चिड़ियाएं जंगल में इकट्ठा होने लगती हैं और सभी चिड़ियाएं बहुत खुश होती हैं क्योंकि आज दीपावली होती है। और सबसे पहले सभी चिड़ियाएं महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद सारे चिड़ियाएं पटाखे जलाने लगती हैं। और इस तरह सारे चिड़ियाएं मिलके बहुत सारे पटाखे जलाते हैं। आप सभी को जंगल की सारी चिड़ियों की ओर से हैप्पी दीपावली। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बुलबुल था। बुलबुल सब्जी का ठेला लगाया करती थी और बुलबुल बहुत मेहनती थी। बुलबुल, 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ बहन, गाजर बहुत ताजे।
ताजे हैं और सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप अच्छे अच्छे गाजर ले जाइए। इसी तरह बुलबुल की सारी सब्जियाँ बिक जाती हैं और वो सीमा दीदी के घर झाड़ू पोछा करने चली जाती है। अरे बुलबुल आ गई तुम, आज बहुत सारा काम है। आज पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दीदी, मैं भी करती हूँ सारा काम। और बुलबुल पूरे घर की सफाई कर देती है और बर्तनों को चमका के बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना देती है। चलो मेरा सारा काम तो हो गया, अब मैं घर की ओर निकलती हूँ। ठीक है बुलबुल, तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना। और बुलबुल अपने घर की ओर चली जाती है। बुलबुल बहुत गरीब होती है तो उसके पास पक्का घर नहीं होता है, वो घोंसला बना के एक पेड़ में रहती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है जिस कारण बुलबुल भीगने लगती है। जंगल की अन्य चिड़ियाएं अपने अपने पक्के घरों में रहती है जिससे बारिश से उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन बुलबुल रात भर भीग जाती है जिससे वो बीमार हो जाती है। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है और बुलबुल की मालकिन सोचती है, बुलबुल काम करने क्यों नहीं आई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जाके देखती हूँ कि क्या बात है, आखिर बुलबुल क्यों नहीं आई। और वो बुलबुल से मिलने चले जाती है। अरे बुलबुल क्या हुआ तुम्हें? बुलबुल आंखें खोलो बुलबुल। और वो बुलबुल को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, रात भर भीगने से बुलबुल बेहोश हो गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बुलबुल को ठीक कर दो। और वो मन ही मन सोचती है कि बुलबुल उनके घर में काम करती है तो उसे भी बुलबुल की मदद करनी चाहिए। और वो सीधे अन्य चिड़ियों के पास जाती है और उन्हें भी बोलती है, बुलबुल हमारे घर में काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो पूरी सर्दियाँ कैसे काटेंगी, हमें उसके लिए एक घर बनाना चाहिए। और सारी चिड़ियाएं मिलके बुलबुल के लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाती हैं, जिसमें बुलबुल खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। टुनटुन आज सुबह जल्दी उठ जाती है क्योंकि आज करवा चौथ होता है। मुझे जल्दी जल्दी घर का काम निपटा के शॉपिंग करने बाजार भी जाना है। तब वो सबसे पहले नहा धोकर पूजा की तैयारी करने लगती है। ओम जय दुर्गा माता, ओम जय दुर्गा माता। उसके बाद वो मुन्ने के लिए दूध गर्म करके लाती है और मुन्ने को सुलाने लगती है। सो जा चंदा प्यार।
फिर वो मुन्ने को सुलाकर मार्केट की ओर निकलने लगती है। आज तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, ये सब चीजें नई नई लूंगी, ये मुझे जल्दी जाना होगा। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी है, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी है, नए नए चूड़ी है, विलायत की चूड़ी है, चूड़ी ले लो ले लो। बाजार पूरी तरक्की से सजा हुआ होता है और नए नए सामान हर जगह रहते हैं। सभी लोग शॉपिंग करने बाजार आते हैं। इतने में टुनटुन चिड़िया भी शॉपिंग करने बाजार पहुंच जाती है। अरे भैया, मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियां दिखाना, रंग बिरंगी और चमकने वाली। हाँ बहन, मैं जल्दी दिखाता हूँ, ले लो, सभी अच्छे अच्छी चूड़ियाँ हैं। ये सारी चूड़ियाँ तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और टुनटुन ने शॉपिंग करते करते अपने लिए ढेर सारी लिपस्टिक ली और नए ज्वेलरी के सेट भी लिए। इसके साथ साथ उसने मेकअप का पूरा सामान लिया और रंग बिरंगी चूड़ियाँ की गट्ठर भी ली। ये मैंने सारी शॉपिंग कर ली है, अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा। और वो घर के लिए निकल पड़ती है। वो घर पहुंच के फटाफट खाना बनाने लगती है। उसने पनीर बनाया और रसगुल्ले बनाए और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई। इसके बाद टुनटुन तैयार होने लगती है और टुनटुन तैयार हो जाती है। टुनटुन तैयार होके बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी टुनटुन का पति भी ऑफिस से आ जाता है। वो टुनटुन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आया होता है। आज तो टुनटुन खुश हो जाएगी, हाहा। इसी तरह आसमान में चांद खिलने लगता है और दोनों छत पर आके करवा चौथ की पूजा करने लगते हैं। टुनटुन सबसे पहले अपने पति की आरती उतारती है और पूजा संपन्न हो जाती है। इस तरह टुनटुन का करवा चौथ बहुत अच्छा जाता है। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाले एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बबलू था। बबलू काफ़ी गरीब था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। बबलू के साथ उसकी माँ रहती थी, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। बबलू रोज की तरह काम करने निकल जाता है और जाते जाते सोचता है, हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो, वो बेचारी काफी लंबे समय से बीमार है। ये सब सोचते सोचते वो फैक्ट्री पहुंच जाता है और अपने रोज के काम करने लगता है। बबलू जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ के मालिक बबलू से हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि बबलू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। इस तरह बबलू सारा काम खत्म कर लेता है। चलो, सारा काम हो गया, अब मुझे घर के लिए निकलना होगा।
और बबलू घर की ओर निकल जाता है। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। बबलू घर की ओर जा ही रहा होता है तो उसे रास्ते में किसी की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे ये कौन है? अरे आप कौन हो और आपको किसने यहाँ बात के रखा है? मेरा नाम सिनू है। मैं तानक चरने आई थी और एक शिकारी के जाल में मैं आके फंस गई हूँ। आप रोना बंद करो, मैं अभी आपको खोलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और दोनों चिड़ियाएं बबलू के घर जाने लगती हैं और वो बबलू की झोपड़ी में पहुंच जाती है। चिड़िया रानी, ये मेरी माँ है। मेरी माँ लंबे समय से बीमार है, वो ठीक नहीं हो रही है। चिड़िया रानी आप बैठो, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। और बबलू उनके लिए समोसे लेके आता है। तभी बबलू चिड़िया रानी के पास पहुंचता है। वो चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है जिसे देखकर बबलू बेहोश हो जाता है। परी रानी उसके पास आती है और बबलू को अपने जादू से ठीक करती है। बबलू ठीक हो जाता है। आप कौन हो और आप यहाँ कहाँ से आई हो? मैं एक सोम परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। मैं तुम्हें रोज मेहनत करती देखती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। धन्यवाद सोम परी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत लंबे समय से बीमार है, आप उन्हें भी ठीक कर दो। और रानी परी अपने जादू से उसकी माँ को ठीक करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या हुआ? माँ आप उठ क्यों नहीं रहे हो? रानी परी, माँ को क्या हो गया? ये कैसे हो गया? लगता है तुम्हारी माँ को पारिजात के फूलों से ठीक किया जा सकता है। पारिजात के फूल? ये क्या होते हैं और ये कहाँ मिलेंगे? ये परी लोग में मिलेंगे, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और बबलू चिड़िया और रानी परी परीलोक की ओर चल देते हैं। और वो दोनों परीलोक की ओर चल देते हैं। परी रानी, हमें जल्दी जल्दी उड़ना चाहिए। वो दोनों परीलोक पहुंच जाती हैं। बबलू, वो रहा वो जादुई पेड़, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से जादुई फूल लाना होगा। एक मिनट, मैं अपने जादू से जल्दी से जादुई फूल को तोड़ती हूँ। और रानी परी अपने जादू से फूल तोड़ने लगती है। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हैं।
शुक्र है कि हमको पारिजात का फूल मिल गया। परी रानी अब बिल्कुल भी देर मत करो, माँ को जल्दी ठीक कर दो। और रानी परी पारिजात का फूल उसकी माँ को सुंघाती है। अरे बबलू मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? माँ आप ठीक हो गई? माँ आपको रानी परी ने ठीक किया है माँ। रानी परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी। ये तो आपके बेटे के ईमानदारी का फल है। और रानी परी उनके घर को बहुत खूबसूरत बना देती है और सभी को अलविदा कह के वो परी लोग को निकल जाती है। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज टोनी चिड़िया को बाजार जाना है, वो अपने घर के लिए सामान लेने जाएगी। और टोनी चिड़िया जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और सामान लाने बाजार की ओर निकल पड़ती है। वो चल ही रही थी तो उसे रास्ते में मिट्ठू तोता दिखता है और वो मिट्ठू तोते के पास जाती है और पूछती है। मिट्ठू तोता क्या तुम भी मेरे साथ बाजार शॉपिंग करने चलोगे? तो मिट्ठू तोता बोलता है। नहीं टोनी चिड़िया, आज मुझे कहीं और जाना है तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता, आप जाओ अकेले। और टोनी चिड़िया अकेले ही बाजार की ओर निकल जाती है। टोनी को अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। अरे तुम कौन हो और आपको किसने यहाँ बांधा है? तो वो चिड़िया रोते रोते कहती है। मेरा नाम चीनू है और मुझे जॉम्बी ने यहाँ बांध रखा है। तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हें खोलती हूँ। तभी वहाँ कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं और वो टोनी चिड़िया को देख लेते हैं। उन्हें देखकर टोनी चिड़िया घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी एक जॉम्बी टोनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टोनी चिड़िया भी जॉम्बी बन जाती है। टोनी चिड़िया भी अब और जॉम्बीज के तरह जंगली जानवरों को परेशान करती है और उन्हें खाने लग जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है। वो परी बहुत खूबसूरत होती है। वो परी जल्दी से जल्दी टोनी चिड़िया के पास जाती है और अपने जादू से वो टोनी चिड़िया को फिर से सही कर देती है। और टोनी चिड़िया पहले के जैसी हो जाती है। टोनी चिड़िया रोते रोते कहती है। परी रानी जॉम्बीज ने जंगल में एक चिड़िया को कैद कर रखा है, आप उन्हें भी आजाद कर दीजिए। तुम घबराओ नहीं टोनी, मैं आ गई हूँ, मैं अभी जाती हूँ उन जॉम्बीज को सबक सिखा के आती हूँ। तब परी रानी उन जॉम्बीज को खत्म करने उनके जंगल में जाती है और अपने जादू से उनको खत्म कर देती है। तब परी रानी सीनू चिड़िया के पास जाती है। तुम घबराओ नहीं चिड़िया रानी, अब मैं आ गई हूँ, अभी मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, रुको। बात रानी परी, उन जॉम्बीज ने मुझे बहुत समय से कैद करके रखा था। आप
मैंने सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया है। चिड़िया रानी अब आप भी अपने घर जाइए। ये कह के रानी परी भी वहाँ से चले जाती है। रानी परी टूनी चिड़िया के घर चले जाती है। उन्हें देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रानी परी टूनी को अपने महल ले जाती है। ये कहानी है आजमगढ़ जंगल में रहने वाले एक गरीब कौवे की, जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन घर का सारा काम करती है। बेटा, आज मैं बबलू कबूतर के घर जा रहा हूँ। मैं बीज के लिए कुछ पैसे उधार लूँगा बबलू कबूतर से। ठीक है बाबा, आप संभल के जाना। और भोलू कौवा बबलू कबूतर के घर निकल जाता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। वो रहा बबलू कबूतर का घर। अरे भोलू भाई, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज कैसे आना हुआ? और टुनटुनी बेटिया ठीक है घर पे? हाँ बबलू भैया, सब ठीक है। मुझे दरअसल आपकी मदद की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। बबलू भैया, मुझे इस बार बीज लेने के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है। मैं आपके पैसे लौटा दूँगा। अरे भोलू, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। और वो भोलू को रुपए दे देता है। भोलू उसे धन्यवाद कह के सीधे बाजार की ओर निकल जाता है। भोलू सीधे शर्मिला ताई की दुकान पे जाता है। शर्मिला ताई, मुझे अच्छी क्वालिटी की गाजर के बीज दे दो। अरे हाँ हाँ भोलू भैया, मैं आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी की बीज दूंगी। और भोलू बीज लेके फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी बेटा, मैं बीज तो ले आया हूँ। कल सुबह खेत में जाकर मैं बीज को बो दूंगा। और भोलू खेत में पहुंच के ट्रैक्टर चलाता है और खेत को बीज बोने के लायक बनाता है। चलो, सारे बीज तो बो दिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाबा, बारिश तो बहुत तेज है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। टुनटुन की बातें सुन भोलू भी मन ही मन घबराने लगता है और वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर भोलू बहुत रोता है और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा होता है, उसे एक चमकदार चीज दिखती है और वहाँ पे एक दो मुंह वाली चिड़िया आती है। भोलू उस अजीब से मुंह वाली चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ और मैं स्वर्ग से तुम्हारी परेशानी को देखकर धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अरे आप सच कह रही हो,
मेरी फसल खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगी, तुम अपने खेत में उसको बो देना और तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वो भोलू कौवे को जादुई अंडा दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। ये बोलकर वो चिड़िया भी वहां से गायब हो जाती है। और भोलू कौवा भी अपने घर चले जाता है। बिटिया, आज मुझे रास्ते में जंगल की रानी मिली और उन्होंने मुझे एक जादुई अंडा दिया है और इसको अपने खेत में बोने के लिए कहा है। ठीक है पापा, कल आप बोने के लिए चले जाना, अभी आप आराम करो। और सुबह होते ही भोलू कौवा अपने खेत में चले जाता है और खेतों को फिर से ट्रैक्टर चलाकर बुआई के लिए तैयार करता है और उसमें जादुई अंडा बो देता है। और उनका खेत अंडे के खेत में बदल जाता है जिसमें बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देख भोलू कौवा खुशी से झूम उठता है और टुनटुनी को भी खेत में लेके आता है। इस तरह अंडों को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और सबका उधार भी वापस कर देते हैं। भोलू कौवा उन सबको धन्यवाद कहता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त पे सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अलविदा, टेक केयर। इस बार सारी चिड़िया डिसाइड करती हैं कि वो दीपावली एक साथ मनाएंगी, तो सभी अपने अपने तैयारी करने निकल जाते हैं। सोनी चिड़िया भी दीपावली की तैयारी करने में लग जाती है। मुझे सबसे पहले बाजार जाना होगा। और सोनी चिड़िया बाजार की ओर निकल जाती है। उसे रास्ते में बुलबुल दिखती है तो वो बुलबुल को भी पूछती है। बुलबुल, तुम भी दीपावली की शॉपिंग करने चलो मेरे साथ, इस बार दीपावली सब एक साथ मना रहे हैं। और वो दोनों मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं। वहां से दोनों अपनी फेवरेट सब्जियां खरीदती हैं। उधर टुनटुन चिड़िया सबसे पहले अपने बच्चों को नहलाती है। मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है, ये ओ ठंडे ठंडे पानी से। उधर बबलू और मिंकू पूरे जंगल की बहुत अच्छे से सफाई करते हैं और पूरे जंगल को एकदम साफ सुथरा बनाने में लग जाते हैं। उधर टुनटुनी चिड़िया सभी के लिए पटाखे लेने मार्केट की ओर जाती है। मुझे जल्दी जल्दी सभी के लिए सामान लेने और पटाखे लेने जाना होगा। टुनटुनी मार्केट पहुंच जाती है
और वो देखती है मार्केट पूरी तरीके से सजा हुआ होता है। वहाँ अनेक रंग बिरंगी लाइटें होती हैं और दीपावली का बहुत सारा सामान होता है, अलग अलग टाइप के पटाखे, बम, चक्री और बहुत सारे नए नए पटाखे होते हैं। उनको देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और वो अपने और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे पटाखे और गिफ्ट लेती है और घर की ओर निकल लेती है। आज तो बहुत शॉपिंग कर ली है, मुझे जल्दी जल्दी घर की ओर जाना चाहिए। और कुछ चिड़ियाएं जंगल को सजाने के लिए निकल पड़ती हैं और वो नए नए चीज़ों से जंगल को सजाने लगती है। वो बहुत अच्छे से पूरे जंगल को सजा देती हैं और जंगल सजाने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगता है। जंगल में सारे चिड़ियाओं के घर बहुत अच्छे से सजे हुए होते हैं और टुनटुनी चिड़िया का घर भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उधर टुनटुनी की माँ सबके लिए समोसे बनाती है और वो सबके लिए खीर और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है। उसी जंगल में एक गरीब कौवी सीमा भी रहती है। सीमा सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है। सीमा गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनाती है। और शाम होते ही सारे चिड़ियाएं जंगल में इकट्ठा होने लगती हैं और सभी चिड़ियाएं बहुत खुश होती हैं क्योंकि आज दीपावली होती है। और सबसे पहले सभी चिड़ियाएं महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। और पूजा करने के बाद सारे चिड़ियाएं पटाखे जलाने लगती हैं। अब पटाखों की बारी है, मैं पटाखे जलाता हूँ। ये लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, पटाखों को हमेशा चाहिए। और इस तरह सारे चिड़ियाएं मिलके बहुत सारे पटाखे जलाते हैं।
बड़ा मजा आ रहा है। ये आप सभी को जंगल की सारी चिड़ियों की ओर से हैप्पी दीपावली।